हमारी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है परचेज फर्नीचर फॉर कैश 2000। हमने फर्नीचर ख़रीदा और कैश से पेमेंट किया। हमने फर्नीचर को डेबिट किया और कैश को क्रेडिट किया, क्योंकि हमारा रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हमारी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है परचेज फर्नीचर फ्रॉम एक्स। यहाँ पे नाम दिया है कि हमने किससे फर्नीचर ख़रीदा, और यहाँ ये नहीं लिखा कि हमने कैश पेमेंट किया है। नाम दिया हो तो इसका मतलब है कि हमने कैश परचेज नहीं किया है फर्नीचर को, हमने क्रेडिट में परचेज किया है एक्स से फर्नीचर। एक तो हमारे पास फर्नीचर आया तो इसलिए हम फर्नीचर को डेबिट करेंगे। एक्स को क्रेडिट हमने इसलिए किया क्योंकि हमारा एक रूल है क्रेडिट द गिवर, तो एक्स यहाँ गिवर है। और दूसरा एक एडिशनल रूल है जिसमें अगर हमारी कोई लायबिलिटी इंक्रीज होती है तब भी हम क्रेडिट करते हैं। एक्स हमारी लायबिलिटी है, एक्स हमारा क्रेडिटर है, हमने उसे पैसे देने हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्रेडिट होगा। अगर लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो भी क्रेडिट होता है। हमारी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स फॉर कैश 3000। हमने गुड्स परचेज किया, हमारे पास गुड्स आया और हमने कैश पेमेंट किया। डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। गुड्स आया, उस गुड्स परचेज के लिए हम टर्म यूज़ करेंगे परचेज। एक्चुअली ये परचेज अकाउंट जो लिखा है ये गुड्स ही है। दूसरा हम क्रेडिट करेंगे कैश क्योंकि हमारे पास से कैश गया। डेबिट व्हाट कम्स इन गुड्स इज कमिंग इन, कैश इज गोइंग आउट। हमारी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स फ्रॉम पी। हमने पी से गुड्स परचेज किया, हमें नाम दिया है और ये नहीं लिखा कि कैश पे किया है। नाम दिया है तो हम अज्यूम करते हैं कि ये क्रेडिट परचेज है। तो एक तो हमारे पास गुड्स आया, डेबिट वर्ड कॉम्स इन, इसलिए हमने गुड्स के लिए परचेज अकाउंट डेबिट किया 2000 से। दूसरा हमने पी को क्रेडिट किया, ये रूल अप्लाई करते हुए कि क्रेडिट द गिवर, जो हमें दे रहा है उसे हम क्रेडिट करेंगे, या क्योंकि हमने पी को पेमेंट नहीं किया, पी हमारा क्रेडिटर है, हमारी लायबिलिटीज़ हैं, अगर लायबिलिटी इंक्रीज होती है बिजनेस की तो भी क्रेडिट होता है, तो हमने पी को क्रेडिट किया, तो हमारी एंट्री हुई परचेज अकाउंट डेबिट टू पी। हमारी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है सोल्ड मशीनरी फॉर कैश ₹5000। हमने कोई मशीनरी बेची, मशीनरी सेल की। एक तो हमारे पास से मशीनरी गई, दूसरा हमारे पास कैश आया, तो हमारा रूल अप्लाई हुआ डेबिट व्हाट कम्स इन कैश इज कमिंग इन, मशीनरी इज गोइंग आउट, तो रूल है क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जो आया वो डेबिट, जो गया वो क्रेडिट। यहाँ पे इसे हम एडिशनल रूल की हेल्प से भी समझ सकते हैं। एक रूल है हमारा डेबिट इंक्रीज इन एसेट, क्रेडिट डिक्रीज इन एसेट। कैश भी हमारा एसेट है, इंक्रीज हुआ डेबिट किया, मशीनरी भी एसेट है, डिक्रीज हुआ क्रेडिट किया। अब हम अपनी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे आते हैं। हमारी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है सोल्ड मशीनरी टू वाई ₹5000। नाम दिया है, इसका मतलब हमने वाई को क्रेडिट सेल किया है मशीनरी, उससे पैसे नहीं लिए, तो वाई हमारा डेटर भी हो गया। तो मशीनरी बेची, एक तो क्रेडिट वर्ड गोज आउट का रूल अप्लाई होगा, मशीनरी इज गोइंग आउट, हमने क्रेडिट किया, दूसरा डेबिट द रिसीवर का रूल अप्लाई होगा, वाई को हमने डेबिट किया, तो एंट्री हुई वाई डेबिट टू मशीनरी। वाई को डेबिट हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि वाई से हमने पैसा लेना है, वाई हमारा डेटर है, डेटर हमारा एसेट होता है, और हमारा एक अकाउंटिंग रूल ये भी है कि अगर एसेट इंक्रीज होती है तो वो डेबिट होती है। हमारी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। हमने गुड्स सेल किया, हमारे पास पैसा आया और गुड्स गया, तो हमारा यहाँ रूल अप्लाई होगा डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश आया, गुड्स गया, कैश को हमने डेबिट किया,
गुड्स को क्रेडिट करने के लिए हम यहाँ टर्म यूज़ करते हैं सेल्स, ये गुड्स ही है। तो एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। हमारी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड्स टू वाई, यहाँ नाम दिया है, इसका मतलब हमने इसे क्रेडिट सेल किया है। हमारे पास से गुड्स गया इसलिए हमने सेल्स अकाउंट क्रेडिट किया। डेबिट द रिसीवर, वाई रिसीव कर रहा है उसे हमने डेबिट किया, और वाई को हमने क्रेडिट सेल किया है, हमने उससे पैसा लेना है, तो वाई हमारा डेटर भी है और डेटर एसेट होता है। इंक्रीज इन एसेट पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये डेबिट होगा। हमारी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है कैश रिसीव्ड फ्रॉम वाई, वाई ने हमें पैसे दिए। एक तो हमारे पास कैश आया इसलिए डेबिट वर्ड कम्स इन। वाई इज गिवर ऑफ कैश तो हमारा रूल है क्रेडिट द गिवर, तो हमारी एंट्री बनती है कैश अकाउंट डेबिट टू वाई। मैंने यहाँ ट्रांजैक्शन में अमाउंट नहीं लिखा है, लेकिन जो भी अमाउंट दिया होगा वो हम अपने डेबिट और क्रेडिट में रिकॉर्ड कर देंगे।